Good morning, kids. This is the science video of class 3 of chapter 1. In this chapter, we will discuss about living things and non-living things. तो चलिए हम इस चैप्टर में बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जो आसपास की दुनिया है उसमें बहुत सारे वंडरफुल और ब्यूटीफुल थिंग्स हैं. बहुत इसमें हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स इत्यादि हम डेली लाइफ में देखते हैं. तो उन चीज़ों को उनके फीचर्स या फिर ढेर सारे वस्तुएं भी अपने साथ ही आसपास देखते हैं, जैसे टेबल, चेयर, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह. तो इन चीज़ों को उनके फीचर्स के आधार पर, उनके गुण के हैं उसके आधार पे हम डिवाइड करते हैं. और उस थी वो जो दो थी उनको जो डिवाइड करते हैं उनमें वो जो फीचर्स के आधार पे वो हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो इस चैप्टर में हमें जो जो टॉपिक्स पढ़ना है वो है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स एंड फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो चूंकि जो उन चीज़ों को हम दो ग्रुप्स में बांटते हैं, जो कि दो ग्रुप्स हैं आपके लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, तो आइए हम जानते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में कि लिविंग थिंग्स होते क्या हैं. लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट हैव लाइफ एंड ग्रो आर लिविंग थिंग्स. यानी कि वैसी वस्तुएं जिनमें जीवन होती हैं, जान होती हैं और वो ग्रो करती हैं, यानी छोटे से बड़ा होती हैं, बढ़ती हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स. तो ये तो हम जान गए कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स होंगे आपके मैन, कैट, डॉग, प्लांट्स, इटीसी, ये सब जो है यानी कि आदमी, कुत्ते, बिल्ली, यानी कि वैसी चीज़ें जिनमें जान हो और जो छोटा से बड़ा होते हैं वो है लिविंग थिंग्स. जैसे छोटे से बड़े होने का, ग्रो करने का एग्जाम्पल आप लोग, सबसे पहले हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम जो मनुष्य होते हैं, वो शुरुआत से ही इतने बड़े नहीं होते हैं. क्या होता है, सबसे पहले हम लिटिल बेबी होते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े होकर बॉय और गर्ल में कन्वर्ट होते हैं, फिर हम मेन और वुमेन में बदलते हैं, देन वी गेट ओल्ड, हम बूढ़े होते हैं. तो ये जो प्रोसेस है इसी को ग्रोथ कहते हैं. यानी और ये प्रोसेस जिस थिंग्स में होते हैं वही क्या, वो वही वस्तुएं क्या कहलाती हैं, लिविंग थिंग्स हैं. आइए तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, हम उसके बारे में डिस्कस कर ले, वो है फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. यानी कि ऐसी क्या गुणवत्ता हैं, क्या विशेषताएं हैं जो किसी भी चीज़ को लिविंग थिंग्स बनाती है, जिससे हम जानते हैं कि ये चीज़ें जो हैं लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तु है. तो पहला फीचर है आपका लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स जो है वो खुद से बिना किसी की मदद से एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकती हैं, आ जा सकती हैं. ये है उनका पहला फीचर. मूव्स मतलब, मूव मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, घूमना. नेक्स्ट जो फीचर है वो है आपका लिविंग थिंग्स ब्रीद. ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना. और चूंकि जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेना बहुत ज़रूरी है, और अभी हमने पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स दैट हैव लाइफ, यानी कि अगर लाइफ है तो वो थिंग ब्रीद जरूर करता होगा. तो लिविंग थिंग्स का जो नेक्स्ट फीचर है, लिविंग थिंग्स ब्रीद. एग्जांपल, हम ह्यूमंस जो हैं वो ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. नेक्स्ट फीचर है आपका लिविंग थिंग का, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड फील. लिविंग थिंग्स जो है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, वो छोटे से बड़ा होता है, ग्रो करते हैं और कैन फील, उन्हें महसूस होता है, उन्हें फीलिंग्स होती है. जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को पीटें तो वो रोने लगता है, उसे दर्द होता है. लेकिन अगर हम वही अपने अगल बगल किसी टेबल, चेयर वगैरह को उठा के पटक दे, तोड़ दे, मरोड़ दे, उन्हें कोई दर्द नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है. लास्ट जो फीचर है आपका वो है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. यानी कि रिप्रोड्यूस का मतलब होता है एक नए बच्चे को जन्म देना. तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद के बच्चे को जन्म देते हैं. ये जो फीचर्स थे वो थे आपके लिविंग थिंग्स के. अगर आप इन सब के नोट्स बनाना चाहो तो आप कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो. चलिए आते हैं हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर जो है नॉन लिविंग, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पर जो है नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनमें कोई जान, लाइफ नहीं होती है. दे कैन नॉट ग्रो, वो बढ़ते नहीं है, वैसे वो थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स दैट डज नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड थिंग नॉन लिविंग थिंग. यानी कि वैसी वस्तुएं जिनमें कोई लाइफ नहीं होती हैं वो क्या है आपकी, नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हैं जिनमें लाइफ नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में देख लो, कूलर, फैन, टीवी, फ्रिज,
त्वाज, ये सब चीज़ें इन्हें आप पटक दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इन में ना तो कोई फर्क आएगा ना ग्रोथ होता है। सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स, यानी कि मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं। तो मैन मेड थिंग्स, चलिए आते हैं उसके के मैन मेड के बारे में जानते हैं। मैन मेड थिंग्स यानी कि मानव निर्मित वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो हम इंसानों ने खुद के मेहनत से खुद से बनाया है, उसे हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। अगर हम डिफिनेशन के थ्रू जाए तो थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर मैन मेड थिंग्स, यानी कि वैसी वस्तुएं जो हम मनुष्यों ने बनाई है उसे हम क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, रोड्स, हाउस, इट इज, यानी कि रोड हो गया, मशीन, घर, बिल्डिंग्स, ये सब जो हो गए वो चूंकि हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो ये सब थिंग्स जो हैं वो मैन मेड थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका नेचुरल थिंग, यानी कि प्राकृतिक थिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम में ही इसके नेचर है, यानी कि प्रकृति है। तो इसका मतलब वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, जो अर्थ पे, धरती पे पहले से ही मौजूद हो, वो क्या हैं आपके नेचुरल थिंग्स है। बाय डिफिनीशन अगर हम देखें तो थिंग्स दैट आर गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, यानी कि वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति के थ्रू मिली है, नेचर के थ्रू मिली है, वही क्या है, नेचुरल थिंग्स है। इसके एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल्स में वो चीज़ आ जाएंगे जो धरती में पहले से मौजूद हो और उन्हें किसी आदमी ने नहीं बनाया है, वो उनका फॉर्मेशन खुद ब खुद हुआ है। वो है आपके सन, मून, हिल्स, प्लांट्स, एनिमल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है वो नेचुरल थिंग्स के एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों ये था आपका क्लास थ्री का चैप्टर वन, जो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।